मॉर्निंग गाइस, आज है 5th of March और आज हम जा रहे हैं देखने याना केव्स, जो यहाँ से अराउंड 1 hour या 1.5 hours जितना दूर है, 52 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन रास्ते शायद ख़राब होंगे तो वहाँ जा रहे हैं। बट फिलहाल पहले उसके पहले होंगे रेडी, लेकिन रेडी होने से पहले पियेंगे चाय। सो ये है हमारी चाय, जिसका हम लुप्स उठाएंगे नेचर को देखते हुए। एंड अपूर्वा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? गुड, एनर्जाइज्ड। नींद आई अच्छे से? हाँ, बीच बीच में मच्छर काट रहे थे पर। एंड यहाँ पे आलोक और शला का योगा करते हुए और योगा के बाद चाय पीते हुए संभालो ही गिरेगा। ऑलराइट, तो चाय पीते हैं, रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। सो गाइस, अब हम हो गए हैं रेडी याना केव्स के लिए निकलने के लिए। सो अप्पू, ऑल सेट? ऑल सेट। ओके, एक्सप्लोर करेंगे याना केव्स के आगे। तो या जिसकी स्टोरी हम आपको ऑन द वे बताएंगे। हमारी बाइक्स यहीं पे पार्क है पीछे, यालोक भैया की बाइक, वो मेरी, एंड हमारा रूम वहीं पीछे ही है। सो पार्किंग भी काफ़ी कन्वीनियंट है यहाँ पे। सो अब मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। तो अभी अपन चल रहे हैं, निकल रहे अपने रिजॉर्ट से, और यहाँ का जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है भाई। पता नहीं कैमरा में समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन ये स्लोप काफ़ी स्टीप है, काफ़ी स्टीप है। बहुत ही मस्त है ये जगह। दिस इज द एंट्रेंस टू ओम बीच। फ्लावर्स, प्रॉपर एक दो फार्म्स के बीच में है ये जगह। हम जो कैफे जा रहे हैं उसके लिए हमने कुछ 20 मिनट ट्रैवल किया। आई होप इट्स वर्थ इट। ऑलराइट, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं, ब्रेकफास्ट स्लैश ब्रंच करने के लिए आए हैं एट कैफे क्रिस्टोफे, शेस क्रिस्टोफे। ये है कोकरना बीच पे, एंड जो कैफ़े का वाइब है वो बहुत ही मस्त है, चिल्ड वाइब है एकदम। सो यहाँ पे आ सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो। बट बेस्ट चीज़ है यहाँ से व्यू। All in all, a good vibe. And yeah, that's Appu, right? Enjoying the swing with the beach view. So yeah, all good? सुकून है यहाँ। चल मैं भी आता हूँ उधर। All right, breakfast करते हैं, I mean brunch करते हैं, and फिर सीधे आपको bike पे मिलते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने ब्रंच कर लिया है एट कैफे शेस क्रिस्टोफे। दैट्स द कैफे बिहाइंड अस, बिहाइंड मी आई थिंक।
That's how it looks. And guys, trust me, the food is amazing here. It is a worth try, must try. थोड़ा सा आपको walk करना पड़ेगा from wherever you park your motorcycle or your scooter or your car. You'll have to walk at least say 500 to 700 meters. But each and every step that you take towards this cafe is really worth it. The ambience is amazing. The food is outstanding. And the view is priceless. So, abhi hum ja rahe hai bike pe. And what is it? And हम आपको भी मिलेंगे सीधा बाइक पर. निकल चुके हैं टूवर्ड्स याना केव्स. अभी और कुछ 35 किलोमीटर्स बाकी है एंड 45 मिनट्स लगेंगे वो कवर करने को. अभी टाइम हुआ है अराउंड 2:05. काफ़ी ज़्यादा गर्मी है. नॉट द बेस्ट टाइम टू लीव फॉर याना केव्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द रोड इज लाइक दिस, लाइक हाईवेज. अगर आप कार में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल पे हो तो आपको थोड़ी बहुत धूप लगेगी. सो जो याना केव्स है ना, उसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ जो जितना मैंने पढ़ा है. तो एक ब्रह्मासुर करके एक भगवान थे जिनको लॉर्ड शिवा ने एक पावर दिया था कि वो जिनको भी हाथ लगाएंगे ना, वो इंसान या वो जीव वो जल जाएगा. इसी पावर का ब्रह्मासुर बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग करने लगे एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे सारे लोगों के लिए. तो काफ़ी लोगों को उन्होंने ऐसे जलाकर मार दिया. तो फिर सारे भगवानों की मीटिंग हुई, जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में मीटिंग होती है वैसे एक मीटिंग हुई. और वहाँ पर डिसाइड हुआ कि भाई ब्रह्मासुर को रोकना पड़ेगा वरना ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है काफ़ी लोगों को. तो लॉर्ड विष्णु मोहिनी का रूप लेकर गए थे उनके पास और उनको अपने वश में किया और उन्हें अपने आप के ऊपर हाथ रखने के लिए मना लिया. और जब वो हुआ तो उन्होंने खुद को जला दिया. और जब वो जले तो वो आग इतनी जोर से लगी कि वो जो केव्स बनी है वो उस एशेस से बनी है. तो ऐसी उसकी हिस्ट्री है. अभी हम जाकर वहां पे देखेंगे कैसे कितना सही लगता है या कितना सच लगता है ये. अब ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, 2 किलोमीटर दूर है याना केव्स यहाँ से. बट ये प्लांटेशन देख के यार दिल खुश हो गया. यस, मुझे यहाँ से दिख रही है याना केव्स प्रॉपरली, शायद आपको ना दिख पाए. वो रही, वाव, काफी बड़ी है यार. और ये एक्साइटमेंट और बढ़ती हुई. सो अभी हम पहुंच चुके हैं याना केव्स के कैंपस में. यहाँ पर हमको थोड़ा सा ट्रैकिंग करना है अराउंड 500-600 meters शायद, या फिर प्रॉब्ली 1 किलोमीटर मैक्स. सो वो ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुँचेंगे एट द एक्चुअल केव्स एरिया. हम लोग को आने के टाइम थोड़ी गर्मी लगी सिंस वी वर ऑन द मोटरसाइकिल. सो सब लोग थोड़े से थके हुए हैं बट जोश किसी का भी कम नहीं हुआ है. जोश बाकी सबका छोड़िए, आपका बताइए सर. ओइसो ओके. और दीदी आपका? ओइसो. ये है अभी तक की कहानी. ओहो, आगे कब है ये स्लोप, कितना स्टीप है आपको फिलहाल नहीं दिख रहा होगा, स्टीप है. सो अब सीधा पहुंचते हैं केव्स के पास और वहां से करते हैं व्लॉग. Till that time, stay tuned.
सो अभी इसका जो लास्ट फेज है वहाँ है स्टेप्स चढ़ने के लिए ऊपर। यहाँ पर थोड़ा वेदर ठीक ठाक होसा हो गया है, थोड़ा ठंडक है यहाँ पे। सो फार सो गुड। अभी होपफुली स्टेप्स चल के हम हमारी मंजिल के पास पहुँच जाए। हाँ, अभी तक तो मज़ा आया भाई। ऑल राइट, सो फाइनली हम आ गए यहाँ पर। That is the Yana Caves. It is a huge piece of, looks like a huge piece of rock emerging from the ground, which is the shape of which just cannot be explained. तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, सब लोग काफी ही थक गए थे सारे, एंड अब थोड़ा सा हाइड्रेशन कर रहे हैं। 2 किलोमीटर था भाई, 2 किलोमीटर ट्रैक था, नॉट 1, नॉट 750 meters, इट वॉज ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स ऑफ अ ट्रैक, बट दिस इज द व्यू दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। रियली कूल, इजंट इट? ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड। This is the Mohini Peak within the Yana Caves. So there are 2 peaks. One is the Mohini Peak and other one is the Brahmasura Peak. तो गाइस अब हम याना केव से निकल रहे हैं। टाइम हुआ है कुछ 4:45, तो हमने कुछ 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए। 2 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर, आपको 2 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ी बहुत थकान लग सकती है अगर आप दोपहर के टाइम पे आते हो जब काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आओगे या थोड़ा लेट इवनिंग जैसे कि ये टाइम पे आओगे तो इतनी गर्मी शायद ना लगे। सो या इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छे से कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस टूरिज्म स्पॉट को डेवलप भी किया है और मेंटेन भी किया है। हाँ, वॉशरूम की फैसिलिटी काफ़ी खास यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल इट्स देयर, बट इट्स नॉट दैट गुड। बट आपको पानी एंड पार्किंग स्पॉट, खाना वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक सर्वाइवल फूड। यू विल गेट स्नैक्स, यू विल नॉट गेट फूड, फास्ट फूड नहीं मिलेगा, बट यू विल गेट सर्वाइवल स्नैक्स। द रोड लीडिंग टू दिस इज ऑल्सो गुड, देर इज़ नो इशूज विद द रोड एज वेल। आप कार से भी आ सकते हो या तो बाइक से भी आ सकते हो, तो कैब रिक्शा से आई डोंट नो, बट कैब से भी आ सकते हो। सो या ऑल इन ऑल अ गुड प्लेस, हाईली रिकमेंडेड। सो वी आर बैक ऑन द हाईवे एंड हेडिंग बैक टू अवर होटल, और 38 मिनट्स लगेंगे, 26 किलोमीटर है। टाइम हो चुका है अराउंड 5:15। अभी तक टोटली हमने कवर किए हैं 824 किलोमीटर्स। वेदर भी ठीक ठाक ही है, अभी फेवरेबल है, अभी काफ़ी डिसेंट वेदर है। दोपहर में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, तो अभी घर जाकर होटल पे जाकर सबसे पहले तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे बीच पे या चिल मारेंगे, जो भी करना है नहाने के बाद करना है। और यहाँ से दिखता है बहुत ही बढ़िया व्यू, लेकिन सामने से ट्रैफिक आ सकता है। पैसा इस व्यू का ही है, पूरा का पूरा।
गाइस अब हम याना केव से रिटर्न आ गए अपने रिजॉर्ट पे और हम थोड़ा फ्रेशन अप हो गए और अब हम आए हैं फिर से कुडली बीच पे। आज हम थोड़ा सा चिल मारेंगे, विल कॉल इट अ डे, ज़्यादा एडवेंचर नहीं करेंगे और एंड शांति से। सनसेट तो हो चुका है लेकिन जो भी बचा है कुचा है वो बैठ के एंजॉय करेंगे। ओके अप्पू, चाय वाय पी जाओ थोड़ा सा अभी। ओके सो गाइज, हमने अभी चाय पी एंड थोड़े से पकौड़े खा लिए, स्नैक्स, एंड हमने वो खाया यहाँ पे ओम डी एस कैफे 51 जो है कुडली बीच पे। सो इट इज़ अ गुड रेस्टोरेंट, वी हैड टी एंड वी हैड पकौड़ा, वी लव्ड इट एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकी का खाना भी अच्छा होगा। प्लस द स्टाफ वॉज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली एंड वेरी हेल्पफुल। सो अगर आप कभी कुडली बीच पे हो एंड अगर आपको अच्छी चाय चाहिए हो देन दिस इज़ द प्लेस टू गो। अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगा, हम लोग अभी खाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे बिकॉज कल का दिन बहुत हैपनिंग होने वाला है हमारे लिए। सो वी नीड टू टेक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट बिफोर दैट। सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड।